देवभूमि जनहित पार्टी ने सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन की एक संयुक्त जनसभा सिरमौर जिला के पच्छाद उपमंडल के नारग में हुई। देवभूमि जनहित पार्टी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी विकल्प लेकर आई है। देवभूमि जनहित पार्टी सभी के अधिकारों के लिए लड़ाई करेगी। उन्होंने कहा कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। रुमित ने कहा कि देवभूमि क्षेत्रीय संगठन व देवभूमि स्वर्ण संगठन द्वारा जो देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, वे उसे पूरी तरह से निभाएंगे। रुमित ठाकुर ने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। इसके साथ ही रुमित ठाकुर व देवभूमि स्वर्ण संगठन के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वो संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव लड़वाएंगे। उन्होंने जनता से कहा कि पच्छाद विधानसभा व रेणुका जी विधानसभा में वो जिस भी आरक्षित व्यक्ति को चुनाव में उतारेंगे वो जीतना चाहिए। रुमित ठाकुर ने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो वो हिमाचल प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करेंगे तथा देवभूमि जनहित पार्टी का कोई भी विधायक पेंशन नहीं लेगा। इसके साथ ही एनपीएस और ओपीएस कर्मचारियों की पेंशन भी बहाल की जाएगी। हिमाचल के लोग मेहनती हैं तथा उन्हें कुछ भी फ्री लेने की आदत नहीं है। यदि देवभूमि जनहित पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज के साथ।